army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मीन्स क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और एक आर्मी का बैंड है उसमें 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उस एक परेड है, उस परेड में जो आर्मी के 616 मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, जो 32 मेंबर्स का बैंड है आर्मी का उसके पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो उनको इस तरह से मार्च करना है कि दोनों में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो सेम हो। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं जिसमें कि दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम आए। तो हम ये जानते हैं कभी भी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना हो या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना हो या ग्रेटेस्ट नंबर कॉलम्स या कुछ भी फाइंड करना हो, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट मैक्सिमम ये कभी भी क्वेश्चन में दिया होता है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, SCF फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 616 एंड 32 का SCF फाइंड करेंगे और जब जो SCF रिजल्ट आएगा वही इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। आर्मी कॉन्टिजेंट में कितने मेंबर्स थे, 616 और आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स थे, 32। तो हमने अभी सीखा, क्या सीखा, जब भी हमें कभी भी हाईएस्ट नंबर निकालना होता है, मैक्सिमम नंबर निकालना होता है या ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, SCF, ठीक है। तो हम SCF फाइंड करेंगे इन दोनों का। अब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो या तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से बताती हूँ, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्या देखेंगे, पहले 616 और 32 में कौन सा नंबर बड़ा है, 616 जो है ग्रेटर है 32 से, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 616 एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। Therefore, by Euclid's division algorithm, A equals BQ plus R, where the value of R should be greater than or equal to 0 but less than B. तो यहाँ हमारा A क्या है, 616 है, तो हम पहले साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 616 को डिवाइड कर लेते हैं, हम 616 को हम डिवाइड कर लेते हैं 32 से, ठीक है। तो ये 1 बार में जाएगा 32, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 11 - 2 - 9 एंड 5 - 3 - 2, ओके। ऊपर से हम 6 लेंगे, हाउ मेनी टाइम्स ये जाएगा आप रफ में चेक कर लेना, इट विल गो बाय 9, क्या आएगा ये, 9 2 = 18 1 कैरी 1, 9 3 = 27 1 28, 16 - 8 - 8 एंड 17 - 8 - 16 - 8 - 8 एंड इट विल बी 8 ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर 8 आया है, 0 तो नहीं आया, फिर हम इसको डिवाइजर बनाएंगे और जस्ट इसके ऊपर डिविडेंड क्या था, 32, तो ये यहाँ पे 32 डिवाइजर था तो ये डिविडेंड बन जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 8 4 = 32। अब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। अब यहाँ पे ए की जगह क्या था, 616 इक्वल्स बी की जगह क्या है हमारा, 32, कोशेंट क्या है हमारा, 19 प्लस आर, यहाँ पे आर 8 आया है तो इट विल बी 8। नाउ अगेन, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये जो 32 है वो डिविडेंड बनेगा, ए हो जाएगा 32, 32 इक्वल्स यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, 8 × 4 प्लस व्हाट इज रिमाइंडर, 0, रिमाइंडर 0 आ गया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया और ये जो बी होता है दैट विल बी आवर आंसर। तो यहां से हमारा SCF क्या आ गया, SCF इक्वल्स टू 8, देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज क्या हो जाएगा, 8, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे m क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। तो हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b क्या है, 3 है। b हमने 3 इसलिए लिया क्योंकि हमें 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड बी इक्वल्स 3, ठीक है। तो हम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम ये जानते हैं ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, वेयर द वैल्यू ऑफ आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो या जीरो से बराबर होगी लेकिन बी से कम होगी। तो यहाँ हमारी बी की वैल्यू 3 है तो हम पुट कर देते हैं ए इक्वल्स टू 3q प्लस आर, जहाँ पे आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। बी है यहाँ पे हमारे क्या है, 3। तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर्स आर जीरो हो सकता है, जीरो वन भी हो सकता है, वन हम टू भी ले सकते हैं क्योंकि थ्री से हमें कम चाहिए, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएगा। तो हमारा ए का क्या फॉर्म होगा, ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स हम इन पॉसिबल रिमाइंडर्स को ए में पुट कर देंगे, फॉर्म ऑफ ए, ए क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ ए। सबसे पहले हम जीरो को पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ए इक्वल्स टू 3q प्लस आर, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल्स 3q प्लस जीरो, तो ये 3q हो जाएगा। अगेन ए इक्वल्स, अब वन को पुट करेंगे 3q प्लस आर की जगह वन, देन ए इक्वल्स 3q प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन आएगा। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इन तीनों इक्वेशन को, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करना है हमें, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो हम बारी बारी से तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन व्हाट वी विल गेट, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q था, 3q का होल स्क्वायर, तो व्हाट इट विल गिव, 9q स्क्वायर। अब हमें 3m के फॉर्म में करना था ना, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे इसे 3, और 3q स्क्वायर कोई एक इंटीजर है ना, तो इसे हम m ले लेंगे, 3m, ठीक है, वेयर m इज सम इंटीजर। अब सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या था हमारे पास, 3q प्लस 1 था, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसे हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 6q, ठीक है। इसको भी 3m के फॉर्म में हम कर लेंगे, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया तो ये और ये पहले हम देखते हैं, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 3 कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 2q प्लस ये 1 हम यहाँ लिख देंगे इक्वल्स, ये एक इंटीजर ही तो है तो हम इसे लिख सकते हैं 3m और ये प्लस 1, वेयर m इज सम इंटीजर, m इज सम
इंटीजर। अब हम थर्ड इक्वेशन को भी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन नंबर थ्री था a इक्वल्स थ्री क्यू प्लस टू, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसे हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स नाइन क्यू स्क्वायर, b की जगह टू है, टू स्क्वायर मतलब फोर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी मीन्स ये थ्री टू जा सिक्स क्यू इंटू टू इट विल बी ट्वेल्व क्यू। इसे भी थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में हमें करना है, वी विल टेक थ्री कॉमन थ्री एच कॉमन, तो यहाँ पे ये और ये थ्री कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन थ्री क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है थ्री ले लिया तो यहाँ फोर बचेगा फोर क्यू प्लस फोर क्यू जस्ट फोर क्यू प्लस हम क्या करेंगे ये फोर को थ्री प्लस वन के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। ठीक है तो अगेन हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहां से थ्री थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस यहां से अगर हम थ्री कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ना प्लस वन। सो यहां पे हमने ब्रेक किया थ्री क्यू स्क्वायर प्लस यहां पे हमने क्या किया फोर को भी ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया क्योंकि हमें थ्री कॉमन मिल सकता है इसमें से भी तो हमने ब्रेक किया तो यहां पे हम थ्री यहां पे आया तो जब हम थ्री कॉमन लेंगे ये तो ऑलरेडी ले चुके थे यहां से थ्री कॉमन लेंगे तो ये वन थ्री वन या थ्री होता है तो यहाँ पे वन आएगा प्लस वन। अब हम क्या ये भी तो एक इंटीजर ही है तो ये भी तो एक इंटीजर ही है तो हम इसे एम ले सकते हैं थ्री एम प्लस वन वेयर एम इज सम इंटीजर तो हमें मिल गया देयरफोर क्या हमें मिला ए स्क्वायर इज द फॉर्म ऑफ थ्री एम और थ्री एम प्लस वन फॉर सम इंटीजर एम। ये क्वेश्चन मेरा हमारा सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. इस क्वेश्चन में क्या करना है इस क्वेश्चन में भी हमें Euclid division lemma का ही यूज करना है लेकिन क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका जो क्यूब होता है वो या तो 9m होता है या 9m plus 1 होता है या 9m plus 8 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम a की वैल्यू 9 नहीं लेंगे a की वैल्यू 3 लेंगे क्योंकि हमें क्या करना है 9m करना है ना। तो जब हम सपोज कर लो a की वैल्यू हम 3 लेंगे तो जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो वो 27 आएगा और जब 27 आएगा तो उसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 9 ले लेंगे तो उसका क्यूब तब भी आंसर हो जाएगा लेकिन जब हम 9 लेंगे तो क्या होगा कि जब हम 9 का क्यूब करेंगे तो वो 729 हो जाएगा वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा मतलब जो होगा थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन इसलिए हम यहाँ ए की वैल्यू 3 लेंगे। नाउ सॉल्यूशन 5 यहाँ पे भी हम ले लेते हैं ए बी एनी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स थ्री सो बाय यूक्लिड डिविजन लेमा बाय यूक्लिड्स डिविजन लेमा वी हैव ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर where the value of r should be greater than or equal to 0 but less than b. यहाँ पे हमारा b क्या है 3 है so a equals 3q plus r. b की जगह हम क्या लिख देंगे 3. तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे क्या हो जाएंगे therefore possible remainders r. जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए बट थ्री से छोटा होना चाहिए तो जीरो वन टू। ठीक है अब हम एक एक करके इसमें पुट करेंगे बाय पुटिंग पॉसिबल रिमाइंडर्स
रिमाइंडर्स, वी हैव फॉर्म ऑफ ए, क्या क्या हमारे पास बनेगा, फॉर्म ऑफ ए। जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ए आएगा 3q+0, डेट इज 3q। वन पुट करने पे 3q+1 एंड टू पुट करने पे आर की जगह हम पुट करेंगे तो 3q+2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को बोथ साइड्स हम क्यूब कर देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए क्यूब इक्वल्स 3q का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 q³। ओके, अब हमें इसे 9m के फॉर्म में करना है, वी विल टेक 9 एज कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा 3, 9 × 3 = 27 ना, 3q³। ओके, तो हम इसको सम इंटीजर, एक इंटीजर ले लेते हैं m, 9m। ओके, वेयर m इज सम इंटीजर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a³ = इक्वेशन नंबर 2 वॉज 3q+1, 3q+1 दोनों साइड हमें इक्वेशन नंबर 2 का क्या करना है, क्यूब करना है, तो a³ = 3q+1 का होल क्यूब। इसे भी हम फॉर्मूले से, तो इसे हम a प्लस बी के होल फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² उसी से हमें इसे ब्रेक करना है। ए क्यूब मीन्स 3q³, 3 का क्यूब क्या होता है 27 एंड q³ प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 × a² × b, a स्क्वायर मतलब 3q, a इज 3q का स्क्वायर इंटू बी 1 प्लस 3ab² 3 × a क्या है 3q प्लस b क्या है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम इसे ब्रेक कर देंगे 27q³ + 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 एंड देन 9 × 3 = 27 और q का स्क्वायर 27q² प्लस 3 × 9 × 1 9q, ठीक है। 1 को हम साइड में ले लेते हैं, 27q³ + 27q² + 9q + 1, इसमें से अब हम 9 को कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 होता है ना, 3q³ प्लस यहाँ पे भी 3q² प्लस 9 कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ q बच जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू, ये भी एक इंटीजर ही होगा पूरा, तो हम इसे m लिख सकते हैं, 9m + n 1, वेयर m इज सम इंटीजर। 3 इक्वेशन नंबर 3 3q+2, तो हमें इसे क्यूब करना है, तो a³ = 3q+2 का होल क्यूब। अब हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हमें पता है a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से हमें ब्रेक करना है। ओके, ए क्यूब 3 का क्यूब क्या होगा 27 एंड q³। ओके, देन b क्यूब क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 3a² b, तो 3 × a² दैट इज 3q, इसका हम होल कर स्क्वायर कर लेंगे 3q² × b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3ab² 3 × a 3q है हमारे पास a की वैल्यू × b² 2 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसे ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा और साइड से ब्रेक करते हैं,
27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस यहाँ पे 3 जा 9 हो जाएगा और ये 3 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 54 तो ये हो जाएगा 54 इंटू ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 जा 9 और ये 2 2 जा 4 9 4 जा 36 क्यू। ठीक है, अब हम इसको 8 को साइड में कर देते हैं 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब हमें कॉमन क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है, वी विल टेक 9 एज कॉमन। तो यहाँ पे हमारे क्या होगा 9 3 जा 27 होता है तो 3 क्यू दिस इज क्यू प्लस 9 6 जा 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 4 क्यू प्लस 8। अब हम इसे क्या मान लेते हैं, ये कोई इंटीजर ही तो है, इसे हम m ले लेते हैं 9m प्लस 8 वेयर m इज सम इंटीजर। यही हमें शो करना था कि हमारा क्या है 9m के फॉर्म में है या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में है या 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। तो इक्वेशन 1 से हमने शो किया 9m, इक्वेशन नंबर 2 से हमने शो किया 9m प्लस 1 और इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास आ गया 9m प्लस 8। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।